एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। और इस व्लॉग में मैं आपको मेरे लंग एक्सरे और उसके रिलेटेड जो इंश्योरेंस का जो काम होगा उसका एक ओवरव्यू दूंगा। सो मुझे एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए मेरे लंग्स का एक्सरे निकालना है। सो फॉर दैट मैंने एक अपॉइंटमेंट लिया हुआ है 11:15 का। उधर जो आदमी था एंट्रेंस पे उसको इंग्लिश बहुत ही कम आती थी, सो आई डू स्पीक सम जर्मन, तो वो हो गया था अच्छे से। सो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आते हैं दे हैव अ पब्लिक इंश्योरेंस, आओका, टीके, डॉक्टर वोल्टा। वो बहुत ही आसान चीज़ है बिकॉज उसमें आपको अपफ्रंट अमाउंट कुछ भी देना नहीं होता, अपने आप इंश्योरेंस में एडजस्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से, एज फार एज आई नो। बट आई डू नॉट हैव अ पब्लिक इंश्योरेंस, आई हैव अ वेरी वियर्ड इंश्योरेंस फ्रॉम एन यूरोपियन कंपनी, इट्स यूरोप असिस्ट और समथिंग लाइक दैट। सो मुझे अपफ्रंट पे करना है और वो बाद में 2-3 हफ्तों में एडजस्ट हो जाएगा इंश्योरेंस वालों के साथ। सो लेट्स गो। द एक्सरे हॉस्पिटल इज समवेयर इन लुइजन प्लाट्स, सो आई विल सी यू देयर। Jump this bridge of broken hearts, you know I came for you and we have gone too far. When all my friends told me that I could do better, that I don't want better than you. No, I don't want better than you. I know you want me to walk out that door. No, I don't want better than you. I know you think that I can't win at all. No, I don't want better than you. You push me off this edge, I want you more. No, I don't want better than you. I still be screaming till I hit the floor. No, I don't want better than you. I know you want me to walk out that door. No, I don't want better than you. I know you think that I can't win at all. No, I don't want better than you. You push me off this edge, I want you more. No, I don't want better than you. I still be screaming till. तो एक्सरे के साथ साथ मुझे एक फुरुंगजोइग्निस की भी एप्लीकेशन करनी थी। ये है मेरा फुरुंगजोइग्निस। सो फुरुंगजोइग्निस ऑब्वियसली इज अ जर्मन वर्ड। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो ये कहता है कि आपने जर्मनी में आके कोई भी लॉ नहीं तोड़ा है, कोई भी बिना शराफत वाली हरकत में आपने हिस्सा नहीं लिया है। और ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका जो लोकल पुलिस होगा आपके सिटी का और जो फेडरल ऑफिस फॉर जस्टिस है वो ये आपको देंगे। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से ऑनलाइन है और एक छोटी फी भी आपको इसमें पे करनी होती है। जो आईटी प्लेटफॉर्म है और जो वेबसाइट है वो बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली नहीं है, बहुत इनकन्वीनियंट है। इसकी पेमेंट प्रोसेस भी यूजर फ्रेंडली नहीं है, बट मुझे 5 वर्किंग डेज में ये सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आ गया है। अभी मैंने ये जो है अपने अपने घर बैठे बैठे अपने रूम पे बैठे बैठे ये अप्लाई किया था और 5 वर्किंग डेज में मेरे घर पे आ गया पोस्ट से। सो ऑल इन ऑल एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा स्लो है, थोड़ा इनकन्वीनियंट है, बट बिना कोई ऑफिस में गए आपको ये अपने घर पे पोस्ट पे मिल जाएगा फुरुंगजोइग्निस। तो अभी चलते हैं वापस एक्सरे की तरफ। सो फाइनली एक्सरे का काम जो था वो तो वक्त पर हो गया था, बट उसके बाद मैं अराउंड 6 घंटे मेरे इंटर्नशिप के लिए मैं अपने लैब में था। सो अभी मैं घर पर आ चुका हूँ और अभी मैं आपको उसके जो भी सारे मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं आपको मैं 1 by 1 दिखाऊंगा। सो ये जो था दिस इज द बिल जो मैं इंश्योरेंस वालों को दूंगा और जो एक्सरे की कॉस्ट आई है वो आई है अराउंड 65 यूरोस। ओके, और यहाँ पर एक अलग सिस्टम है। लाइक इंडिया में जब भी हम एक्सरे के लिए जाते हैं तो हमें एक एक्सरे मिलता है, इट इज अ फिजिकल एक्सरे विच वी कैन सी, बट यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। द स्टैंडर्ड मेथड इज दैट द पर्सन हु इज द रेडियोलॉजिस्ट दे आर गोइंग टू ऑब्जर्व द एक्सरे देमसेल्फ, दे आर गोइंग टू मेक अ रिपोर्ट एंड दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू अ फिजिकल एक्सरे। बट इफ यू से कि आप मुझे एक्सरे देंगे, मुझे फ्यूचर में काम आएगा, यू नो यू कैन मेक वट एवर रीजन यू वॉन्ट, सो दैट पर्सन शी हैज गिवन मी अ सीडी जिसमें उसने ऐसा बोला है कि इसमें एक्सरे की फाइल्स है। सो ये वही है यहाँ पे कि अभी तो लैपटॉप्स में यू डोंट इवन हैव द स्पेस फॉर अ सीडी और फिर भी इसमें चल रहे हैं। लाइक अगर उनको इजीली करना होता तो वो ईमेल भी कर देते हैं, बट दैट्स हाउ थिंग्स आर वर्किंग हियर। सो टू समराइज, मुझे एक्सरे की सीडी मिली है और ये जो पूरा एपिसोड हुआ था एक्सरे के लिए मुझे मेरे हाउस आर्ट ने बोला था। लाइक हाउस आर्ट यू कैन से इज अ जनरल डॉक्टर, ओके, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट जो MBBS लेवल के डॉक्टर होंगे
वो फंक्शन जो डॉक्टर फुलफिल करता है, ही इज योर हाउस आस्ट. फॉर एग्जाम्पल द हाउस आस्ट दैट आई वेंट टू, ही इज अ नेफ्रोलॉजिस्ट, ही इज ऑल्सो एन इंटर्निस्ट एंड ही इज ऑल्सो अ हाउस आस्ट. ओके, सो हाउस आस्ट ने मुझे ये पूरा लिख के दिया था कि आई नीड अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ लंग एक्सरे. सो जो डॉक्टर थे उनकी सारी डिटेल्स इसमें इधर लिखी हुई थी. सो व्हाट द डॉक्टर हैज डन कि उन्होंने जो भी उनका जो भी रिपोर्ट था कि मेरा एक्सरे में देख कर उनके क्या ऑब्जर्वेशंस थे, उन्होंने उनको ईमेल भेज दिया. मैंने मांगा कि मुझे एक अपने कॉपी के लिए दे दो ना रिपोर्ट, जो एक्सरे का रिपोर्ट आया है. तो आई वॉज टोल्ड नो, हमने जो है आपका जो भी रिपोर्ट था, मेरे जो ऑब्जर्वेशंस थे, मैंने हाउजास को ईमेल कर दिया है. तो उसके बाद जो है हाउजास आपको जो भी काम है, आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, ही विल डू इट फॉर यू. सो यहाँ पर ये अलग ही एक सिस्टम मिला कि इंडिया में तो अगर आप दांत के एक्सरे के लिए जाएं, लंग के एक्सरे के लिए जाएं, यू एक्चुअली हैव अ फिजिकल एक्सरे विथ यू विच यू कैन शो टू द डॉक्टर, यू कैन शो टू एनी डॉक्टर. बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. और मेरे कहने के बाद आई वॉज गिवन अ सीडी, दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल एंड इसकी कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट हुई नहीं है मुझे. सो ये था और बिल मैंने आपको दिखा दिया. ये जो कॉस्ट आई है वो है 65 यूरोस, अराउंड 65 यूरोस. एंड दिस इज अ पॉइंट, पीपल हु हैव अ स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट लाइक आओका, टीके, डॉक्टर वोल्टा, दे आर नॉट सपोज टू पे एनीथिंग एट द टाइम ऑफ गेटिंग द एक्सरे. बट सिंस आई हैव सम अदर काइंड ऑफ इंश्योरेंस, आई हैड टू पे अप फ्रंट जो भी अमाउंट था. और यहां पर यही है कि दे आर गोइंग टू फॉरवर्ड दीज ऑब्जर्वेशंस टू द हाउस आस्ट डायरेक्टली एंड आई विल नॉट हैव एक्सेस टू अ प्रॉपर रिपोर्ट अबाउट माई एक्सरे. So that was all for this video. I explained to you the meaning and the method of getting Fourier oxygenes. And also ये जो episode हो रहा है मेरे साथ फिलहाल, ये एक्सरे निकालने के लिए बोला था, लंग एक्सरे, तो उसकी जो पूरी फॉर्मेलिटीज थी प्लस जो इंश्योरेंस का जो भी है ये वो मैंने आपको बताया. तो या दैट वॉज ऑल फॉर दिस व्लॉग. लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो स्मैश द बेल आइकन. तो जब भी मैं भी कोई व्लॉग अपलोड करूँ तो यू आर इमीडिएटली नोटिफाइड. इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, ईशन शाह हैंडल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, लिंक भी दी हुई है डिस्क्रिप्शन में. मैं आपसे मिलूंगा एक और व्लॉग में, उस वक्त के लिए बाय.